आगे बढ़कर आपको बताएं कि मुल्क को फौज नहीं अवाम मुतहद रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मशरकी पाकिस्तान हमारी गलती से बना, लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया, आज वही कुछ फाटा और बलोचिस्तान में हो रहा है, रूहानियत को सुपर साइंस बनाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने सुहावा में अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। अपने खिताब में बोले कि मशरकी पाकिस्तान हमारी गलती से बना, बंगालियों को इंसाफ नहीं दिया गया, जबकि आज वही कुछ फाटा और बलोचिस्तान में हो रहा है। हमारा मुल्क टूटा, गलती हमारी थी, हमने इंसाफ नहीं दिया अपने लोगों को, और आज भी अगर हम अपने लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, फाटा के लोगों के बुरे हालात हैं, उनकी हमें मदद करनी है। बलूचिस्तान में कई इलाके हैं, पीछे रह गए लोग, ये याद रखे, एक फौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, मुल्क को उसकी अवाम इकट्ठा रखती है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के नजरिए को छोड़कर हम इस्लामी रहे ना ही फलाही। सिंध में 70% लोग गुरबत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। भुट्टो के बाद आकर लोग अवाम के खैरखा बने और जब गए तो उनकी लंदन में जायदादें थी। ना हम इस्लामी रहे ना हम फलाही रहे, एक रियासत बन गए। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद सारे अवाम के खैरख्वाह बन जाते हैं, और जब जब जाते हैं तो लंदन में और सारी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज होती है और अवाम गरीब हो जाती है। वज़ीर आज़म ने रूहानियत को सुपर साइंस करार दिया, कहा रूहानियत और साइंस में कनेक्शन बनाएंगे। इस्लाम और रूहानियत एक कनेक्शन करेंगे साइंस के अंदर, कि साइंस कैसे इस्लाम के साथ चलती है, हम रूहानियत को एक सुपर साइंस बनाएंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान बनने के हकीकी मकसद के बारे में बच्चों को ना पढ़ा सके तो मगरबी कल्चर का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा।